सर नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत टेक फेक चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वन कार्ड लाइट के बारे में। वन कार्ड ने रिसेंटली मिनिमम 2000 के एफडी पे भी वन कार्ड लाइट इशू करना शुरू कर दिया है। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं वन कार्ड नॉर्मल वाला जो है। ये वीडियो मैं आपको बस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको बताना चाहूँगा मैं एक एक्सपीरियंस्ड यूज़र हूँ वन कार्ड का, और तभी आपको मैं कंप्लीट डिटेल रिव्यू दे रहा हूँ वन कार्ड लाइट के बारे में। और वैसे भी बहुत जल्दी मैं वन कार्ड लाइट भी अप्लाई करने वाला हूँ अपने फैमिली मेंबर के लिए, तो अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो उसकी वीडियो भी ऑब्वियसली हमारे चैनल पर ज़रूर आएगी। चलिए अब बात करते हैं वन कार्ड लाइट की, हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ आपको पूरी डिटेल्स देते हैं वन कार्ड लाइट। तो दोस्तों हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर वन कार्ड लाइट की ऑफिशियल वेबसाइट को। आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने, ये वन कार्ड लाइट की ऑफिशियल वेबसाइट का FAQ। और अगर आपको अप्लाई करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के पहले चेक कीजिए अप्लाई करने के लिए कि आप कहीं एलिजिबल तो नहीं है वन कार्ड मेटल के लिए। अगर आप वन कार्ड मेटल के लिए एलिजिबल हैं तो लाइट वाला अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बट अगर आप एलिजिबल नहीं है तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगा आपको कि सबसे बेस्ट जो FD कार्ड है वो है वन कार्ड लाइट। ये सबसे बेस्ट FD कार्ड है। इसके बाद में अगर आप चाहते हैं तो ICICI का कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, ICICI इंस्टेंट FD कार्ड। बट ये मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके अंदर जो मिनिमम FD अमाउंट है वो भी 2000 रुपीज़ है, और मैक्सिमम तो आप जितना चाहें उतना। प्लस इस पे FD का इंटरेस्ट रेट भी आपको ज़्यादा मिलता है, प्लस इसमें लिमिट भी आपको 110% ऑफ योर FD मिलती है। मतलब अगर आप 10,000 की FD कराते हैं तो आपको 11,000 की लिमिट देखने को मिलेगी, तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी है। यहाँ पे फटाफट मैं FAQs की बात करूँगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो भी वन कार्ड से FD से रिलेटेड है। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाए आखिरी में तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा हमको। तो सबसे पहले देख लीजिए कि FD क्यों कराना है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बुरा है या कभी जनरेट नहीं हुआ तो आपको कार्ड जल्दी नहीं मिलेगा। और अगर आपका क्रेडिट सिबिल स्कोर जनरेटेड है 750+ है और 1 साल से पुराना सिबिल है आपका, तो आप वन कार्ड मेटल के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो मेरे पास है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में दिखाया। बट अगर आपका सिबिल स्कोर जनरेटेड नहीं है या बहुत ज़्यादा खराब है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप FD कराइए जिसपे कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6.5% पर एनम। कैसे कराना है FD उसके लिए भी बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी चैनल पे। वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है बिना किसी के बताए हुए भी। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके जाकर के अप्लाई कीजिए। FD कराइए, उस पर इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा 6.5% पर एनम। और FD SBM यानी कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के अंदर जाकर के सेव होगी आपकी FD, मतलब वो RBI से इंश्योर्ड है, तो उसकी टेंशन लेने की बात नहीं है बिल्कुल भी, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं RBI अप्रूव्ड बैंक है, एंड अप टू 5 लाख आपका पैसा बिल्कुल इंश्योर्ड है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं होगा, चाहे बैंक का दिवालिया निकल जाए आपको नुकसान नहीं होगा। क्रेडिट लिमिट जो आपको मिलेगी ना आपके FD की वो है 110%, मतलब अगर आप 10,000 रुपये की FD कराते हो तो आपको 11,000 की लिमिट मिलेगी, मतलब 10% एक्स्ट्रा लिमिट मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर आप दूसरे बैंक में कराते हैं FD तो आपको जनरली 80%, 85%, 90%, SBI में तो 70% तक की लिमिट मिलती है पूरी FD की। बट यहाँ आपको इंटरेस्ट रेट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर भी है, प्लस आपको 110% ऑफ योर लिमिट मिल रही है FD की लिमिट जो है उससे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि मतलब आपको थोड़ा हायर लिमिट मिल जाता है, मतलब आप ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे अपने क्रेडिट कार्ड को। जैसे ही आप कार्ड लेते हैं उसके 3 महीने के बाद में आपके सिबिल में रिपोर्ट्स दिखने में लग जाएंगे, मतलब अपना सिबिल और एक्सपीरियंस को चेक कर पाएंगे 3 महीने के बाद में कम से कम। FD पे जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको 6.5% मिलेगा, मैंने आपको पहले बता दिया। और FD इज जस्ट अ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो ये एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है। कैसे है सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल कैसे है उसके बारे में आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आगे। मान लेते हैं कि आपने FD करा लिया है और उसके बाद आप चाहते हैं कि पैसा निकालें, अगर आपको मान लीजिए किसी भी जरूरत, मान लीजिए आपको किसी कोई भी आवश्यकता पड़ती है और आप FD का पैसा वापस निकालना चाहते हैं तो बहुत आसान है। इनकी एप्लीकेशन में कैंसिल FD का ऑप्शन आता है, वहां से आप कैंसिल कर सकते हैं 3 से 4 दिन में, वर्किंग डेज में, जिस अकाउंट से आपने FD में पैसा भेजा था वहां से पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये कहते हैं कि 99% केसेस में कोई भी हम FD ब्रेक करके हमारे कार्ड को वापस रिटर्न नहीं करता, बट अगर फिर भी मतलब 1% रेयर केस में आपको जरूरत है तो आप कर सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्ज के, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। आपका मनी 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर पूरा कम्प्लीटली रिफंड कर दिया जाएगा और सब कुछ डिजिटली होगा ऑन द ऐप इटसेल्फ, आपको कुछ भी नहीं करना है। और चार्जेस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, नो चार्जेस व्हाटसोएवर। कि अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है और धीरे धीरे आप एलिजिबल हो जाते हैं वन कार्ड नॉर्मल वाले यानी कि मेटल के लिए, तो क्या आपका FD रिलीज कर दिया जाएगा? एब्सोल्युटली। और मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा 9 से लेकर के 12 महीने तक आप इस कार्ड को यूज कीजिए, टाइम पर पेमेंट कीजिए, क्रेडिट लिमिट कम यूज कीजिए, मतलब क्रेडिट रेशियो को कम यूज कीजिए, तो आपका 100% क्रेडिट स्कोर अच्छा बढ़ जाता है 1 साल के अंदर, तो बहुत अच्छा हो जाता है। और जैसे ही आप क्राइटेरिया मीट कर जाएंगे वन कार्ड मेटल के लिए, आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसीलिए FD को ये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं, क्योंकि अगर आप क्राइटेरिया मीट कर जाते हैं नॉर्मल वन कार्ड के लिए तो आपका ये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दिया जाएगा, आपको वन कार्ड मेटल इशू कर दिया जाएगा, मतलब आपका FD भी वापस आ जाएगा और आप अपना नया क्रेडिट कार्ड यूज करते रहेंगे बिना किसी दिक्कत के।
और ये चीजें कंपनी खुद कंफर्म कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, योर क्रेडिट स्कोर विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव जैसे जैसे आप यूज करेंगे इसको मंथ ऑन मंथ, और जैसे ही आप क्राइटेरिया मीट करेंगे वन कार्ड के लिए, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दिया जाएगा एंड यू कंटिन्यू टू यूज द वन कार्ड। मतलब आप वन कार्ड यूज करते रहिए, तब ये अनसिक्योर्ड कार्ड बन जाएगा, सिक्योर्ड से अनसिक्योर्ड में चेंज हो जाएगा जैसे ही आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर जाएंगे इनका। क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। देखिए मेरे लिए, मेरी नजर से बेस्ट एप्लीकेशन जो है ना क्रेडिट स्कोर को ट्रैक करने का, मैनेज करने का, वो है वन स्कोर का ऐप। इन्हीं का ऐप है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐड नहीं चलता उसमें, तो ये चीज बहुत अच्छी है। सारी डिटेल्स आपको वन स्कोर ऐप में देखने को मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा। और डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन जो है ये दिख जाएगा आपको, एक तो ये वन कार्ड एप्लीकेशन, सेम इन्हीं का आता है एक वन स्कोर एप्लीकेशन। वन स्कोर एप्लीकेशन पे आप अपना क्रेडिट स्कोर ट्रैक कर सकते हैं, और वन कार्ड एप्लीकेशन पे आप अपना वन कार्ड लाइट या फिर वन कार्ड मेटल वाला अप्लाई करेंगे। तो जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाकर के चेक कीजिए कि आप वन कार्ड मेटल के लिए एलिजिबल है। अगर हाँ तो जाकर के वन कार्ड मेटल अप्लाई कीजिए, कंप्लीटली फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है। वन कार्ड लाइट हो चाहे वन कार्ड हो, दोनों के फीचर्स एब्सोल्युटली सेम है। बस एक अंतर है कि एक अनसिक्योर्ड कार्ड है, एक सिक्योर्ड कार्ड है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है। दोनों में सारे फीचर्स आपको सेम मिलते हैं, चाहे 5x रिवॉर्ड हो, 1% फॉरेक्स मार्कअप चार्ज हो, एज ऑल जीरो एनुअल जॉइनिंग फीस, सब कुछ सेम है दोनों ही कार्ड्स के अंदर। कंप्लीटली मोबाइल से मैनेज होते हैं दोनों ही कार्ड्स। एक ही अंतर है, दैट इज एक सिक्योर्ड कार्ड है, एक अनसिक्योर्ड कार्ड है। और दूसरा अंतर आप कह सकते हैं, वन कार्ड लाइट जो है प्लास्टिक वाला कार्ड है, और वन कार्ड जो नॉर्मल वाला है अनसिक्योर्ड कार्ड, वो है वन कार्ड मेटल कार्ड है। तो ये दोनों एक चीज अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। ये जो आपको वन कार्ड लाइट मिलेगा वो SBM बैंक के साथ पार्टनरशिप में मिलेगा, और इसको आप यूज कीजिए, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, वन कार्ड नॉर्मल वाला मिल जाएगा। एंड ये एक बहुत अच्छी चीज है इसमें। अगर कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ना चाहते हैं तो SBM की वेबसाइट पे भी जाके पढ़ सकते हैं। ये वाला कार्ड मिनिमम 2000 के FD, मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना करा लीजिए। एंड आई होप कि सारी डिटेल्स वन कार्ड लाइट से रिलेटेड मैंने आपको क्लियर कर दी है। वैसे ये 2000 रुपए वाला जो FD का सिस्टम है, अभी भी नया नया लॉन्च किया उन्होंने, पहले मिनिमम 5000 FD था, अब मिनिमम 2000 FD से भी आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही होगी, अगर आपको क्रेडिट स्कोर जनरेटेड नहीं है या अच्छा नहीं है, 750 से कम है, तो आप इसको लेकर के इंप्रूव कर सकते हैं या आपके क्रेडिट स्कोर को जनरेट कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।